Hey guys, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल. आई एम शताब्दी. कैसे हैं आप लोग? आशा रखती हूँ कि सब लोग अपने घरों पे सेफ और सुरक्षित हों. आज है सैटरडे और आप देख पा रहे हो बाहर से बहुत ज़्यादा धूप आ रही है. और सैटरडे मॉर्निंग से मैं अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ. लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकन है, प्लीज़ उसे भी प्रेस कर दीजिएगा लाइक टिंग टॉन्ग, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे. तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. सो हे गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और लगभग अभी घड़ी पे 9 से 9:30 हो चुका है और मैं अभी से अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ. मेरा अभी नहाना धोना सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और आप देखो बाहर से कितना ज़्यादा धूप आ रहा है. आज बहुत ही ब्राइट एंड सनी डे है. तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि क्या क्या मैं आज करने वाली हूँ. तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ. वो मेरी एक्चुअली मैं इतने दिनों से कर रही थी लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है. जब कंप्लीट होगा मैं इसका एक फुल ऑन वीडियो आपके साथ शेयर ऑफ कोर्स करूँगी. मैं आपको दिखा दूँ, मैंने हाफ कंप्लीट किया है तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ. ये देखो आप, ये हाफ कंप्लीट हुआ है, फुल कंप्लीट होना बाकी है और नीचे का भी मुझे कंप्लीट करना है. यह तुलसी का आंगन जो मैंने इसे हाफ कंप्लीट किया है, इसको रंगोली बना के. सो हे गाइस, आज मेरे लंच पे बनेगा कुछ स्पेशल, एक चीज़ जो है ऑलिव की चटनी. जी हाँ, और मेरे घर के बगीचे से ही मैं लेने जा रही हूँ कुछ ऑलिव्स. तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ मेरे घर के ऑलिव ट्री. तो गाइस, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे घर के ऑलिव ट्री. ये देखिए मेरे घर के ऑलिव ट्री, कितना बड़ा ऑलिव ट्री है मेरा खुद के घर पे. तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और हम इसे कहते हैं जलपाई. ये है ऑलिव, देखिए कितना बड़ा बड़ा ऑलिव होता है. तो अब मेरे खुद के घर के पेड़ से ही मैं ऑलिव को ले रही हूँ. इतने सारे ऑलिव अभी कलेक्ट हुए हैं तो इसका बनेगा चटनी. ऑलिव को हम अब हमारे लैंग्वेज में कहते हैं जलपाई. तो इससे बहुत सारे डिशेस होती है, इसका खट्टा बनता है, इसका अचार बनता है. तो मम्मी आज खट्टा बनाएगी, इसकी जो चटनी है वो बनाएगी घर पे. तो ये सबका फेवरेट है हमारे घर पे. तो वही मैं आपके साथ मैंने शेयर किया, ऑलिव ट्री का एक नज़ारा भी आपके साथ मैंने शेयर किया. कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अभी कोरिएंडर लगवाया था एक्चुअली, तो इसीलिए इतने सारे कोरिएंडर उगे हुए हैं. देख पा रहे हो आप कितने सारे कोरिएंडर. मैं आपको क्लोज व्यू एक देती हूँ. ये आप देखो, देखिए कोरिएंडर्स के बीच से उगा है. तो कितने सारे कोरिएंडर जो है वो उगे हुए हैं यहाँ पे. तो ये मैं वेट कर रही हूँ कि कब तक ये बड़े हो जाए और मैं इसका लुफ्त उठाऊँ सर्दियों के सीजन में. सो गाइज, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए मेरे बगीचे के धनिया पत्ता. ये एक्चुअली ये भी धनिया पत्ता है, कोरिएंडर लीव्स कहते हैं हम इसे. ये बहुत ज़्यादा मेरे घर पे तो इसका पूरा बगीचा है. ये देखिए धनिया पत्ता का, ये हमारे असम में बहुत ज़्यादा फेमस है ये वाला धनिया पत्ता. इसे हम कहते हैं नागा धोने, ऐसे करके कहते हैं. तो इसका स्मेल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा. देखिए यहाँ से मैं कुछ ले लूँगी, यहाँ से कुछ सब्जी के लिए. सो गाइज, जो कोरिएंडर सीड से उगने वाला जो कोरिएंडर लीव्स है वो तो बहुत ही छोटा है, तो इसीलिए जो ये वाला कोरिएंडर है यही हम यूज़ कर रहे हैं अपने खाने वगैरह में. तो वही मैं अभी ले रही थी. और यहाँ पे देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पीस का प्लांट. सो चने या मटर आप कहते हो ना, मटर को लगवाया गया था तो उसी का ही छोटा छोटा जो है सिबलिंग निकल आया है. बस उसी को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी मैं शेयर करूँ ये नज़ारा. ये पापा ने लगाया था तो इसे अभी पूरा प्लांट तक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो
পিস বলে যে পিস এটা পিস হবে এখানে না এখানে না বাস অনেক আছে তো এখানে মানে ইয়ে করে দিব পুরো লাগিয়ে দিব উপরে দিয়ে দিয়ে উঠবে হুম यह पीस जो पापा ने उगाया था वो आप देख पा रहे हो एक बड़ा हो चुका है अभी हो रहा है धीरे धीरे बहुत लंबा एक जो है मिट्टी को खुदाई करके उसके बाद लगाया हुआ है एक छोटा सा नज़ारा आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ मेरे घर के बगीचे का एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ्लावर्स थे लेकिन अभी मम्मी तो एवरीडे पूजा के लिए फ्लावर्स लेती हैं तो इसीलिए फ्लावर्स थोड़ा सा कम है लेकिन यहाँ पे भरा हुआ फ्लावर्स है तो इस तरफ जो नीलकंठ फ्लावर होता है वो है यहाँ पे और ये है जो शेफाली फूल कहते हैं ना वो है और इस तरफ आपको मैं बगीचे का टूर करवा दूँ उस तरफ है येलो वाला जो घंटो फूल या घंटा फूल बोलते हैं जो भी है वो वाला है उस तरफ और ये है ये देखो देख पा रहे हो आप ये पिंक कलर का जो लोटस होता है जो हम लोग इसे स्थल पौधों कहते हैं मतलब ये पानी में नहीं ये ग्राउंड में भी आता है तो ये वाला पेड़ है उसका यहाँ पे फूल लगा हुआ नहीं है मम्मी ने ले लिया शायद सुबह को क्योंकि पूजा के लिए लगता है एवरीडे ये है हिबिस्कस जो रेड वाला हिबिस्कस फ्लावर है उसका प्लांट उसका पेड़ है ये है वैसे बहुत सारे फूल हैं यहाँ पे देख रहे हो ये वाइट कलर का फूल जो होता है ना छोटा वाला यहाँ पे कली आया हुआ है ये आप देख पा रहे हो वो है इस तरफ है रजनीगंधा का पेड़ है ये रजनीगंधा देखिए कितना बड़ा हो चुका है लेकिन रजनीगंधा का सीज़न तो अभी नहीं है तो अभी फ़िलहाल वो फूल आया नहीं है और इस तरफ है ऑलिव का प्लांट जो आपको मैंने ऑलरेडी शेयर किया गाइज मैं अपने आपको बता रही थी ना ऑलिव का चटनी होता है मेरे घर पे तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरी मम्मी ने बनाया है ये देखिए ऑलिव की चटनी इतना अच्छा लगता है ना ये ऑलिव का खट्टा जो हम कहते हैं मतलब हमारे लैंग्वेज में ऑलिव को कहा जाता है जौलपाई तो जौलपाई चटनी कहते हैं हम लोग तो वही मम्मी ने बनाया है बहुत गुड़ से बनता है ये एक्चुअली उसका रेसिपी अगर हो सके तो मैं शेयर ऑफ कोर्स नेक्स्ट टाइम करूँगी आज मैंने शेयर नहीं किया जस्ट आपके साथ मैंने लुक्स ही इसका मैं शेयर कर रही हूँ बहुत यमी एंड टेस्टी होता है ये एक्चुअली खाने के बाद एज ए चटनी हम लोग लेते हैं तो अभी मैं करूँगी लंच क्योंकि लंच टाइम हो चुका है और आपके साथ मैंने शेयर किया ना ऑलिव का जो गुड़ से बनता है चटनी तो उसके बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे बनाते हो या किसी और तरीके से भी बनाते होंगे अगर तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ आप लोगों से मेरे घर में ऐसा ही बनता है ऑलिव की चटनी या ऑलिव का अचार भी मम्मी बनाती हैं तो बस आज का ये व्लॉग इतना तक ही मैं मिलूंगी फिर आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड बाय बाय